तो फ्रेंड से तुम कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो फ्रेंड से तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू। तो यहाँ पर लिखेंगे यू। यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वह लगता है आर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एम इज आर का प्रयोग सीख रहे हैं, तो आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज लगता है, यू के साथ आर लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर। एक का क्या होता है? एक का होता है अ। और चोर का क्या होता है? चोर का होता है थीफ। तो यहाँ पर लिखेंगे थीफ। यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेकेंड पर्सन में यू यू होता है, लेकिन हिंदी में तुम और तुम लोग होता है। तो जहाँ तुम लोग रहे वहाँ नाउन में एस या ई एस लग जाता है। तो इसी को प्लूरल नंबर में चेंज करेंगे, तुम लोग चोर हो। तो फ्रेंड्स, तुम लोग का इंग्लिश यू होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे यू। यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है आर लगता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर। लेकिन यहाँ चोर का प्लूरल नंबर थीप्स हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे यू आर थीप्स। यू आर थीप्स, तुम लोग चोर हो। फ्रेंड्स, इसी सेंटेंस को यदि नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो तुम लोग चोर नहीं हो। तुम लोग का लिखेंगे यू। यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है आर, तो यहाँ पर लिखेंगे आर। नहीं का लिखेंगे नॉट। और चोर का होगा थीप्स। यू आर नॉट थीप्स, तुम लोग चोर नहीं हो। अब इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलेंगे। क्या तुम लोग चोर नहीं हो? तो शुरू में लगा हुआ है क्या, तुम लोग का इंग्लिश होता है यू। यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसे पहले लिख देंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, तो यू के साथ लगता है आर, आर को पहले लिख देंगे। उसके बाद तुम लोग का लिखेंगे यू। नहीं का होगा नॉट। और चोर का हो जाएगा प्लूरल थीप्स। आर यू नॉट थीप्स, क्या तुम लोग चोर नहीं हो। उसके बाद पांच नंबर लिखेंगे, मैं घमंडी हूँ। मैं कौन सा पर्सन है? मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। मैं का होता है आई। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? आई के साथ लगता है एम। और घमंडी का क्या होता है? प्राउड। आई एम प्राउड, मैं घमंडी हूँ। अब इसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे, नकारात्मक वाक्य में, तो मैं घमंडी नहीं हूँ। मैं का लिखेंगे आई। आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है एम। नहीं का होगा नॉट। और घमंडी का क्या होगा? प्राउड। आई एम नॉट प्राउड, मैं घमंडी नहीं हूँ। अब इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलेंगे, तो क्या मैं घमंडी नहीं हूँ। शुरू में लगा हुआ है क्या, मैं का होता है आई। आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है एम। एम को लिखेंगे पहले, उसके बाद लिखेंगे मैं का आई। नहीं का हो जाएगा नॉट। और घमंडी का हो जाएगा प्राउड। एम आई नॉट प्राउड, क्या मैं घमंडी नहीं हूँ। उसके बाद आठ नंबर हम लिखेंगे, तो फ्रेंड्स हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? हम लोग का होता है वी। तो यहाँ पर लिखेंगे वी। वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है आर, यहाँ पर लिखेंगे आर। घमंडी का क्या होता है? प्राउड। वी आर प्राउड, हम लोग घमंडी हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर, वी तो प्लूरल नंबर बहुवचन है, तो फिर प्राउड में एस या ई एस क्यों नहीं लगा? तो फ्रेंड्स, जिसकी गिनती की जा सके उसमें एस या ई एस लगता है, उसका बहुवचन बनाया जाता है। तो घमंडी को गिनती नहीं किया जा सकता, यह फीलिंग भाव है। तो फ्रेंड्स, जिसकी गिनती नहीं हो उसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं।
तो वी आर प्राउड, हम लोग घमंडी हैं। उसके बाद नौ नंबर में लिखेंगे वे लोग किरानी हैं। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? वे लोग का होता है दे। दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है आर। किरानी का क्या होता है? क्लर्क। लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है तो क्लर्क का प्लूरल क्या होता है? क्लर्क्स। दे आर क्लर्क्स, दे आर क्लर्क्स, वे लोग किरानी हैं। अब इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलेंगे। तो फ्रेंड्स से क्या वे लोग किरानी हैं? सब्जेक्ट के पहले क्या लगा हुआ है? तो सब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसे पहले लिख देते हैं। वे लोग का होता है दे। दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है आर, आर को पहले लिखेंगे। उसके बाद वे लोग का लिखेंगे दे। और किरानी का क्या होता है? क्लर्क्स। आर दे क्लर्क्स, क्या वे लोग किरानी हैं? इसके बाद सबसे अंत में 11 नंबर में लिखेंगे वे लोग बुरे हैं। वे लोग का क्या होता है? वे लोग का होता है दे। तो यहाँ पर लिखेंगे दे। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है आर। बुरे का क्या होता है? बैड। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, फिर भी यहाँ बैड में SEIS नहीं लगा, क्योंकि जिसकी गिनती की जा सके उसमें SEIS लगाया जा सकता है और जिसकी गिनती नहीं की जा सके उसमें SEIS नहीं लगाया जा सकता। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे। आपका दिन शुभ हो।